मुफ्ती साहिब के बयानात सुनने के लिए AIA दावा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई घर होता है, किसी के घर में आप अगर दाखिल हो जाएं, तो बताइए क्या बनेगा आपका। अरे किसी का घर है, बगैर इजाजत लिए अनजान कोई आदमी किसी के घर में चला जाए तो बताइए क्या बनेगा। शक्ल जो लेकर के जाएगा, क्या वो शक्ल लेकर वापस आएगा? रंगीन शक्ल लेकर आएगा, कपड़े भी रंगीन हो जाएंगे अपने ही खून में। हैं, होगा नहीं होगा? इतना घर के अंदर मारा जाएगा। लेकिन वही घर अगर उस घर के जिम्मेदार ने आपको दावत दिया है और आपका आपको घर पर बुलाया है, फिर जब आप घर जाएंगे तो घर के दरवाजे पर आपका इस्तकबाल करने के लिए साहिब खाना खुद खड़ा होगा और घर पे ले जा करके घर की सबसे ज़्यादा मोहतरम मकाम के ऊपर आपको बैठा लेगा और आपसे दरख्वास्त करेगा कि घर की सबसे ज़्यादा कीमती नेमत बड़े एहतराम के साथ में और आपकी इज्जत का ख्याल करते हुए आपसे दरख्वास्त करेगा, हमारी इस काविश को कबूल कीजिए, हमारी इस कुर्बानी को कबूल कीजिए। होता नहीं होता है? मेहमान जब आपके घर आते हैं तो आप उनके साथ में क्या करते हैं? जो चीज़ घर में होती है, जी चाहता है कि सब कुछ मेहमान के सामने पेश कर दें। इसी तरीके से आप आए नहीं हैं, बल्कि आपको मुंतखब करके अल्लाह ने अपने घर में बुलाया है। अब जब बुलाया है, मेहमान अगर बदसलीका हो तो मेज़बान कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन जी चाहता है जल्दी निकले। क्या मुसीबत आ गई है नहीं? लेकिन मेहमान अगर बाशऊर है, मेहमान अगर बासलीका है, मेहमान अगर बड़ा ही तमद्दुन वाला है, तो जी चाहता है ऐ काश जाए ना, ये यहीं रहे, ठहरा रहे। यही फ़र्क है।